मैडम, आपने अपने बच्चे का क्या नाम रखा, आप बताएंगे विस्तार में थोड़ा जी सा? मैंने मतलब मेरे हस्बैंड ने चीकू के पापा ने अरमान जी ने रखा है नाम। अभी हमने आंखें देख ली है लड़के की और आंखें सेम मम्मी पे गई है। अब आप क्या कहना चाहते हैं? लोंडा रो रहा है? रो नहीं रहा, मैं दूध पिलाया ना अभी तो डकार लेनी जरूरी होती है, उसकी कोशिश कर रही हूँ कर ले। तो मुझे लग रहा है इसको आदत हो गई आपकी। हाँ नहीं हुई तो कर दूंगी मैं, डाल दूंगी। तो क्या हम कृतिका मलिक को फ्री रखने वाले हैं? हाँ जब तक मैं फ्री हूँ तब तक वो फ्री रहेगी। मुझे ये लगता है कि अब जो 2-3 साल हैं आपके वो बच्चों में जाएंगे और जो आपके कपड़े हैं, जो आपके ड्रेसेस हैं, वो हम एक लॉकर में बंद कर देते हैं। हाँ सही बोल रहे हो, मेरे को लग रहा है 5-6 महीने तो बेबी इसमें ही जाएंगे, क्योंकि क्या है कि बच्चों को माँ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस टाइम पे, तो फुल ध्यान, वो भी हमारे एक नहीं है 3 है, तो जब तक ये बड़ा हो जाएगा तो 2 बच्चे और आ पर जाएंगे। में खुशियां आई हैं और आपको लगता है कि आने वाले टाइम में आपकी रातों की नींद हराम होने वाली है? उसे नींद हराम नहीं कहते, उसे नींद ना आना कहते नहीं, हैं। उसको हराम ही कहते हैं, क्योंकि देखो ये अब आराम से सोने वाला है और आप जागने वाले हो, क्या आंखें ये पूरी सच खोल, है? अगर आपको आंखें देखनी है इसकी तो आंखें इसने पूरी खोल ली है। जी, तो अभी हमने आंखें देख ली है लड़के की और आंखें सेम मम्मी पे गई है। और लैशेस लैशेस मेरे ऊपर गई है ना? लैशेस आप भी गई है, चीकू भी तो ऐसी है, चीकू की भी ऐसी है। मैंने बोला भी था कि बच्चे की लैशेस पापा जैसे होनी चाहिए, क्योंकि मेरी तो है नहीं, मैं आई लैश एक्सटेंशन कराती हूँ। मैडम, आपने अपने बच्चे का क्या नाम रखा, आप बताएंगे विस्तार में थोड़ा सा? जी मैंने मतलब मेरे हस्बैंड ने चीकू के पापा ने अरमान जी ने रखा है नाम जैद मलिक। बिल्कुल, तो अभी आपके घर लड़का हुआ है, क्या जी आप आने वाले कुछ टाइम के बाद एक सुंदर सी कन्या के लिए आप ट्राई करेंगे, बच्ची के लिए ट्राई करेंगे? अभी नहीं कह सकते, मैं बोल नहीं सकती कि ट्राई करूंगी, कुदरत के ऊपर है, भगवान ने चाहा तो जरूर लड़की होगी। कृतिका मलिक का ऑपरेशन हुआ है और अभी मेरी जान को थोड़ा मैं उठाऊं, गर्दन पीछे हाथ लगाऊं, दूसरा गर्दन पीछे आराम से, अभी घूमना जरूरी है बाबू। डॉक्टर ने बोला थोड़ा थोड़ा चल सकते हो, आराम से आराम से बोला है डॉक्टर ने, बोला थोड़ा थोड़ा चलो, क्योंकि मेरे ना जिस साइड स्टिचेज है ना, जिस साइड बंद हुए ये, तो एक साइड पे ना बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। आराम से आराम से आराम से आराम से, कोई बात नहीं।